नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना कि मतलब जब प्रेग्नेंट होते हैं हम, फिर बेबी धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट होता है, तो हम सोचने लगते हैं ना कि मतलब बेबी हमारा कैसा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बच्चा मतलब ठीक से है या नहीं। किसी किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा खाने पीने का मन नहीं करता, तो वो भी सोचती होंगी कि मेरा बच्चा कैसा होगा जब मैंने, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ही कुछ खा नहीं पा रही हूँ, तो मेरा बेबी कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे डाउट्स आज मैं आपके वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में आपको बताऊँगी जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि आपका बेबी गर्भ में स्वस्थ है या नहीं है, जो कि आप पहले ही जान लेंगे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले। मतलब भगवान न करे ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ हो, कि किसी के भी बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो, सबकी प्रेगनेंसी सेफ हो। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप पहचान सकती हैं, टाइम से पहले अलर्ट हो सकती हैं और तुरंत डॉक्टर के पास जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है बच्चे की दिल की धड़कन महसूस ना होना। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे की 5वें हफ्ते तक धड़कन आ जाती है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले जो ग्रोथ होता है, भ्रूण से जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले बच्चे का हार्ट बनता है, तो सबसे पहले बच्चे की दिल की धड़कन आती है, तो 5वें हफ्ते तक बच्चे की धड़कन आ जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर पता लगाते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन आई है या नहीं आई है। और अगर 5वें हफ्ते तक अगर बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आती है, तो समझ जाना चाहिए आपको कि साइज फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी कंडीशन भी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी किसी का लोअर होता है, कभी अपर होता है, तो इस वजह से भी बच्चे की धड़कन फील करने में टाइम लग जाता है। दूसरा है पेट का आकार कम बढ़ना। जैसे मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा 6 मंथ हो चुका है, 7 मंथ हो चुका है, मेरा पेट नहीं दिखाई देता है, मैम बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आपका पेट भी अगर कम दिखाई दे रहा, मतलब कम बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पेट के बढ़ने से ही गर्भाशय के बढ़ने का पता चलता है। तो अगर प्रेगनेंसी के 5 महीने से ऊपर होने वाले हैं, 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक आपको लग रहा है कि आपका पेट का साइज़ नहीं बढ़ा है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में ग्रोथ करता है, बच्चा जब डेवलप होता है, तो गर्भाशय का आकार भी बढ़ता है, और गर्भाशय के आकार बढ़ने से मतलब पेट भी बढ़ता है। और अगर पेट ही नहीं बढ़ेगा, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि शायद बच्चे ने उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं किया है जैसे उसको करना चाहिए, तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरा इसका लक्षण है पेट में बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होना। मतलब पेट में अकड़न होती है ना, मरोड़ टाइप की होती है। वैसे प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी मतलब हर एक लेडीज़ में अलग अलग चेंजेस, किसी को खुजली की प्रॉब्लम होती है, इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी किसी लेडीज़ में ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। 3-4 मंथ तक किसी किसी लेडीज़ को ये होता है कि ब्लीडिंग भी आती रहती है। ब्लीडिंग के साथ साथ अगर आपको पेट में अकड़न फील हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मरोड़ या अकड़न टाइप आपको फील हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है, बेबी गर्भ में स्वस्थ नहीं है। चौथा इसका लक्षण है पीठ और कमर में लगातार दर्द होना। प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी का वजन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जब बच्चे का बच्चा ग्रोथ करेगा तो सारे वजन की वजह से हमारी बॉडी का वजन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। इस कारण कभी कभी पीठ और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि जब यहीं पे हमारे इस वाले पेट के एरिया पर बहुत ज़्यादा वजन रहेगा, तो इस कारण पीठ और कमर में दर्द होना नॉर्मल है। लेकिन ये दर्द हल्का होने के साथ साथ लगातार अगर बढ़ रहा है और बंद ही नहीं हो रहा, लगातार होता जा रहा है, ये बच्चे के गर्भ में अस्वस्थ होने का, मतलब अनहेल्दी होने का संकेत हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको देर नहीं करनी है, तुरंत अलर्ट हो जाइए और जाके डॉक्टर से मिलिए। 5वां लक्षण है बच्चे की हलचल फील ना होना, मतलब बच्चे की हलचल महसूस ना होना। कई मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत टाइम हो चुका है, 6 महीने से ऊपर या 5 महीने से ऊपर आपके हो चुके हैं और बच्चे की हलचल आपको फील नहीं हो रही है, तो सीरियस हो जाइए, डॉक्टर को आप जाके दिखाइए। ऐसे किसी के बोलने से या कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है, इस चीज़ को आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है।
नॉर्मली क्या होता है कि 18वें हफ्ते तक बच्चे की हलचल फील होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कभी कभी जब आप पहली बार माँ बनी है तो इस मूवमेंट को पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप इजीली नहीं पहचान पाती। लेकिन अगर ये हलचल आपको 24वें हफ्ते के बाद भी अच्छे से फील नहीं हो रही है तो फिर ये सिम्टम हो सकता है कि बच्चा आपके गर्भ में अस्वस्थ है। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, देरी नहीं करनी है। छठवां इसका लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस कम होना। मॉर्निंग सिकनेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उल्टी उल्टियाँ होता जाए। मॉर्निंग सिकनेस कम होने का मतलब है, जैसे किसी किसी में होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, इतनी उल्टियाँ होती रुकती नहीं है, पानी भी अगर वो पीते हैं तो उनको उल्टियाँ हो जाती हैं। मॉर्निंग सिकनेस कम फील होने का ये मतलब है कि अब आपका बिल्कुल मन ही ना करे, मतलब जैसे प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल लक्षण होता है जो हर किसी को होता है वो मॉर्निंग सिकनेस होता है। मतलब सुबह सुबह से आपको ना तो उल्टी का मन कर रहा है, ना आपको मतलब आपका जी घबरा रहा है, ना किसी तरीके के चक्कर की प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ, बिल्कुल मॉर्निंग सिकनेस आपको फील ही नहीं हो रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे के अस्वस्थ होने का ये संकेत हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की तो मॉर्निंग सिकनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए और सारी प्रॉब्लम उसको बताएं। सातवां इसका लक्षण है वायरल फीवर होना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको वायरल फीवर हो गया है तो ये संकेत हो सकता है गर्भ में बच्चे के अस्वस्थ होने का। तो इस कंडीशन में आपको हल्के में नहीं लेना है। वायरल फीवर अगर आपको है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, जिससे कि आपका जो वायरल फीवर है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए और बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। वायरल फीवर जब आपको हो रहा है तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये भी बच्चे के अस्वस्थ होने का संकेत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिनसे आप इजीली पहचान सकते हैं कि बच्चा आपका गर्भ में स्वस्थ है या नहीं है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो बैठे मत रहिए घर में, डॉक्टर को जाके मिलिए, सारी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, क्योंकि समय से पहले अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी मतलब ये ऐसा नहीं होता कि एक छोटी सी बात होगी बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है, ये हमारे बच्चे का सवाल होता है। तो इस चीज़ में डिले बिल्कुल ना करें। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत जाके डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम अलर्ट हो सकते हैं और आने वाली प्रेगनेंसी में जितने सारे कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं लोगों को, उनसे भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो टाइम पे अलर्ट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।